A very warm welcome to all of you. I'll just check whether I'm properly audible or not. So please, we can use the live chat. So if I'm audible, please use the live chat and say yes. And then we can start without wasting any more time. Just use the live chat and kindly try to communicate something, and we can start then. Yes, okay. So this is the first class of CS1 Actuarial Statistics. And before starting, I'll be giving a brief overview how we'll proceed, and then we'll be moving on to the first chapter, which is basic probability, because I assume that those who have taken admission for CS1, they don't have any prior knowledge related to probability and statistics. Okay, so we are going to start everything from the scratch. If in between the class you face any difficulty, you may let me know through the live chat in this medium that we're using, which is YouTube. So just kindly let me know if any query or something which you don't understand, or you want me to repeat, or there is some kind of technical issue, then just kindly let me know. Okay. So I'll just start. Okay, so CS1 Actuarial Statistics. Like in most of the cases that we see, that people generally either opt for CM1 or CS1 as their first paper, जिसमें बहुत लोग CS1 के लिए majorly opt करते हैं, and ये बहुत हद तक सही भी है, ठीक है? So CS1A जो है, वो आपका written examination होता है, 3 hour 15 मिनट्स का, एंड CS1B जो है यह आपका होम बेस्ड एग्जामिनेशन है, 1 hour 45 मिनट्स का. ओके, एंड CS1B में आपके R प्रोग्रामिंग के नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, जो हम लोग एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको पहले का R का कुछ आना चाहिए. इन द फर्स्ट क्लास ऑफ R we teach how to download R and what is the use of R and उसका कैसे क्या usage है वगैरह, तो एकदम पूरा basic से आपको हर चीज़ कराया जाएगा, ठीक है? So let me just give you a quick overview of what we are going to study in CS1 Actuarial Statistics. Okay, so सबसे पहले जो CS1 है ना, इसमें हम लोग सीखेंगे जो basic stats होता है, basic जो स्टैट्स होता है उसमें. अगर मैं आपको बोलूँ तो मीन आ गया, मीडियन आ गया, मोड क्या, ये सब भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे, मीन, मीडियन, मोड. बेसिकली इसको हम लोग नाम दे सकते हैं समराइजिंग डेटा. समराइजिंग डेटा इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, समराइजिंग डेटा. इसमें जितने भी आपके जो कैलकुलेशन, स्क्यूनेस हो गया, मोमेंट्स हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, स्टेम एंड लीफ हो गया, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, एवरीथिंग, एकदम जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स होता है वो इसमें हम लोग कवर करेंगे. ओके, उसके बाद में CS1 के सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी. ये वो चैप्टर है जो हम लोग क्लास 12 में सब लोग छोड़ के चले जाते थे, बिकॉज ये हम लोग को उस समय उतना समझ में नहीं आता था. बट हाँ, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट ही प्रोबेबिलिटी से करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी का इन एंड आउट एवरीथिंग, चाहे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो, एवरीथिंग, बेस थ्योरम एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर इन CS1. ओके, सो प्रोबेबिलिटी के बाद में रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल, सो रैंडम वेरिएबल से हम लोग एकदम सीखेंगे जो कैलकुलेशंस होगा प्रोबेबिलिटी का, वो किस तरीके से करेंगे, PDF क्या होता है, CDF क्या होता है, discrete क्या होता है, continuous क्या होता है, everything will be there in random variable. How to go from PDF to CDF,
We'll learn some few important integration skills like gamma integration is there, beta integration is there, जो आपको आगे पूरे CS1 के curriculum में काम आएगा, ठीक है? Then we learn कि जो मान लीजिए कोई एक PDF दे दिया तो उसका mean किस तरीके से निकालना है, उसका variance किस तरीके से निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग mean और variance को फिर से cover करेंगे, mean और variance. बेसिकली अगर हमको कोई एफएक्स दे दे, बेसिकली अगर हमको कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, कोई पीडीएफ दे दे, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो, तो हम लोग को उसका किस तरीके से मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, एंड आगे उसको फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम लोग को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? सो रैंडम वेरिएबल्स इज द टॉपिक जो हम लोग का नेक्स्ट आएगा. इसके बाद में लाइक वंस वी नो द नॉलेज ऑफ रैंडम वेरिएबल, देन लाइक वी कैन गो टू द चैप्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. इसमें हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल विल स्टार्ट विथ बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, जितने भी सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन है, अगेन कंटिन्यूस में आपका नॉर्मल में आ जाएंगे, गामा में आ जाएंगे. तो ये सारे के सारे जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारे के सारे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट वॉज समराइजिंग डेटा, देन वॉज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बेसिक्स, देन इज रैंडम वेरिएबल विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द चैप्टर जहाँ पर आप पहली बार PDF, CDF, mean, variance से इंट्रोड्यूस होते हो, ठीक है? देर विल बी फ्यू इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन स्किल्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू फॉर फास्टर एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस. ओके, देन वील मूव ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशंस. अब इसके बाद जो है ना, लाइक मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद में आएगा, दैट इज जेनरेटिंग फंक्शंस. That is generating functions. So, generating functions क्या होता है? Generating function मतलब कुछ generate होने का मेरे को आभास हो रहा है. तो क्या क्या चीज़ generate होगा? या तो moments. What is moments? Moments मतलब mean variance generate होगा, या फिर आप समझिए आप probability generate होगा. तो कुछ generate होने का मतलब ऐसा function जिससे कि मेरे को probabilities मिले, जिससे कि मेरे को mean variance मिले, that is generating functions. अभी तक मैं सिर्फ एक variable का बात कर रहा था या फिर एक random variable का बात कर रहा था. Then the next is joint distributions. Joint distributions मतलब जैसे x भी रहेगा और y भी रहेंगे, दो random variables रहेंगे, तो किस तरीके से deal करना है, joint distributions. Okay, then जैसे हम लोग वहाँ पर सीखते हैं ना conditional probability, तो वैसे ही करके हम लोग का एक यहाँ पर chapter बन के आएगा जिसका नाम है कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस. कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो इसके बाद में हमारा बन के आएगा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जहाँ पर लाइक हम लोगों जो हल्का फुल्का बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो कंडीशनल, लाइक जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे. एंड वील ऑल्सो बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द टॉपिक ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन. वील ऑल्सो बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन चैप्टर. ओके, जैसे एक हमारा जो चैप्टर था विच वॉज कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वो जो कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नाउ शिफ्टेड टू CS2. जो कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नाउ शिफ्टेड टू CS2 वाला जो चैप्टर है, CS2 वाला जो हमारा पेपर है. सो कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन अब CS1 में नहीं है, कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन शिफ्टेड टू योर CS2. ओके, सो इसके बाद में ना वील मूव टू मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट. मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट. सो मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है, लाइक उसमें वी आर गोइंग टू कवर सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सेंट्रल लिमिट थ्योरम विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम व्हेन वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस एंड ऑल, जहाँ पर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं. ओके, देन देर इज सैम्पलिंग, देन देर इज सैम्पलिंग, देन देर इज सैम्पलिंग. उसके बाद में देर इज पॉइंट एस्टिमेशन. पॉइंट एस्टिमेशन जितने भी सारे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, लाइक जैसे मैंने बताया था ना प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितने भी सारे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे उनका जो पैरामीटर्स होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. तो एक्स क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जिसके पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. तो ये जो पैरामीटर एस्टिमेशन होता है यही होता है पॉइंट एस्टिमेशन. तो ये भी हम लोग सीखेंगे CS1 में. ओके, उसके बाद में जैसे मान लीजिए आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हो, आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो यार
मेरे को लग रहा है 80 से 90 के बीच में आ जाएगा, 80 से 90 के बीच में आ जाएगा, आई एम 90% श्योर, या फिर आई एम 95% श्योर। तो हम लोग उसके बाद में जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद में जो टॉपिक आएगा दैट इज़ योर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। दिस इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक, जैसे कि बहुत लोगों ने क्लास 12 में भी देखा हुआ होता है, बीकॉम में भी होता है, लाइक जो भी कोरिलेशन रिग्रेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ कोरिलेशन रिग्रेशन में ना देर आर लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स विच हैव बीन एडेड, जो पहले हमारे CT3 वाले करिकुलम में नहीं थे। ओके, सो उसके बाद में देर विल बी कोरिलेशन रिग्रेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए x ले रहा है वैल्यू 1 तो y लेगा 10, x जब 2 होगा तो y 20 होगा, x 3 तो y 30, x 4 तो y 40। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये सब टाइप का जो एनालिसिस होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, रैंक कैसे करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट्स आर देयर। ओके, सो वो सब अपने इस टॉपिक में सीखेंगे विच इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, एवरीथिंग इज देयर इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला टॉपिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज योर CT6 से कुछ एडिशंस हुए हैं, लाइक जो CT6 जो हमारा प्रीवियस पेपर था उससे कुछ टॉपिक्स CS1 में आए हैं, जैसे कि है EBCT। EBCT इज देयर credibility theory is there, EBCT is there, credibility theory is there, okay, there is GLM, EBCT is there, credibility theory is there. So basically Bayesian statistics या फिर बेजियन स्टैट्स, ओके, सो बेजियन स्टैट्स ये वाला जो टॉपिक है जिसका भी हम लोग बेस देखेंगे, पहले बेजियन, जैसे हम लोग पहले बेस थ्योरम सीख लेंगे एंड उसके बाद में लाइक जो बेजियन स्टैट्स पूरा जो टॉपिक है उसको हम लोग को कवर करना पड़ेगा। तो ये जो चार टॉपिक है, दिस इज GLM, दिस इज GLM, ओके, तो ये जो चार टॉपिक्स है ना, ये आपको लाइक CT6 के पहले थे लेकिन अब ये CS1 में आ चुके हैं। तो देख के बस खाली मैं यही बोलूँगा कि वैसा नहीं है कि CS1 इज़ ईजी, CS1 इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स। ओके, तो जैसे पहले आपका CT3 था तो मैं बोल सकता था हाँ भाई छोटा सिलेबस है, हो सकता है, बट अभी CS1 में अगर आप देख रहे हो तो देर आर लॉट ऑफ न्यू एडिशंस एंड पुराने जो टॉपिक्स थे लाइक उनमें भी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, सो 4 न्यू टॉपिक्स, EBCT, क्रेडिबिलिटी थ्योरी, GLM एंड बेस इन स्टेटिस्टिक्स या फिर बेस थ्योरम जो भी। तो ये जो है ये आपको करना ही है, जो CT6 से आए हैं, पुराना जो CT3 का सिलेबस है वो है ही, कुछ एडिशंस हुए हैं। एंड पहले हमारे CT3 में एक टॉपिक हुआ करता था अनोवा बोल के, ठीक है, दिस टॉपिक एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ये जो टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरियंस। तो ये जो टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरियंस, अब ये हमारे सिलेबस से हट गया है, बट स्टिल इसके कुछ इसके बोलते ना रिमेन्स बच जाते, जैसे अनोवा टेबल वगैरह बनाने हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है तो वो हम लोग बढ़िया से करेंगे, ठीक है। तो अनोवा टेबल वगैरह जो बनाने आएगा वो हम लोग को माने मैट में थोड़ा बहुत इसके रिमेन्स हैं तो वो हम लोग को सीखना है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर द टॉपिक्स इन CS1 एंड करेस्पॉन्डिंगली आवर एम विल बी कि पहले हम लोग जब थियोरी में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ उसको हम लोग लाइक आर में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो थियोरी एंड आर विल गो साइड बाई साइड। ओके, सो जैसे अपने आर का अगर बात करें, अब जैसे अपने अगर आर का बात करें तो आर में लाइक हम लोग का करीब करीब 10 क्लासेस जो है, जो शुरू के जो 10 क्लासेस हैं आर में, हम लोग के जो शुरू में जो 10 क्लासेस हैं, शुरू के जो 10 क्लास हैं, जो 10 क्लासेस हैं वो आपके थोड़े बेसिक्स के टूवर्ड्स जाते हैं, ठीक है,
वो आपके थोड़े बेसिक्स के टूवर्ड्स जाते हैं, जैसे उसमें कोई भी चैप्टर स्पेसिफिक आर नहीं सिखाया जाता है। उसके बाद वी स्लोली मूव ऑन टू चैप्टर स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड देन उसके असाइनमेंट्स आपको कराए जाएंगे। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका जो ए है एंड आपका जो बी है दोनों संग संग चले, आपका जो ए है और आपका जो बी है वो दोनों क्या चले, संग संग चले। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले पूरा ए करा देंगे फिर आपको बी करा देंगे, दिस इज़ नॉट द वे। तो ए और बी आपका दोनों संग संग चलेगा। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई एम प्लानिंग फॉर एंड नाउ वील बी गिविंग यू वीकली टारगेट्स। मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा कि जितना क्लासेस मैं लाइव ले सकूँ आप लोग को वीकली टारगेट्स मिलेगा। देयर विल बी डाउट्स क्लासेस, सम्स क्लासेस, रिविजन एंड मॉक एग्जामिनेशन एज वेल। सो द बेस्ट इज़ जिन लोगों को भी डिसम्बर एंड तक अपना CS1 का सिलेबस ख़त्म करना है, डिसम्बर एंड तक अपना CS1 का सिलेबस ख़त्म करना है, वो प्लीज़ हमारे साथ आज ही से जुड़ जाएँ। मैंने शेड्यूल पूरा ग्रुप में शेयर कर दिया है कि कब कब CS1 का क्लास होगा, ठीक है। उस टाइम को छोड़ के आपके CS1 के क्लासेस नहीं होंगे। सो प्लीज़ दिसंबर एंड तक आप लोग सब हमारे संग जुड़े हुए रहें एंड उसके बाद में आप लोग देखोगे आप लोगों को किसी भी तरीके की भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ माई अप्रोच एंड अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ स्टडी का जो है स्टडी लोड जो होगा आपका, आपका जो वर्कलोड होगा, आपका जो वर्कलोड जो होगा, वर्कलोड विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours एवरी डे। सर मैं नहीं निकाल पाऊँगा तो आज के दिन पे ही छोड़ दीजिए, बिकॉज आप जब तक इस सब्जेक्ट को नहीं समझोगे ना तब तक आपका CS2 में, CM2 में, ये सब में ना प्रॉब्लम होगा। तो CS1 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू CS1 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर। तो लाइक इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप लोग बिल्कुल भी इसमें ढिलाई ना दो एंड इसको बहुत जितने अच्छे से आप लोग कर सको आप लोग उसको इतने उतने ही अच्छे से करना, बिकॉज CS1 इज़ आई गेस द मोस्ट बेसिक पेपर एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर। अगर आपका CS1 में अच्छा होल्ड आ जाएगा तो CS2 में, CM2 में एंड इनफैक्ट CM1 का जो CT5 वाला जो पार्ट है उसमें भी आपको किसी भी तरीके का डिफ़िकल्टी नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लाइक दिस वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू एंड नाउ आई विल टेक अ 1 minute ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट विद बेसिक प्रोबेबिलिटी। ओके okay, so now we start basic probability, basic probability, okay, so basic probability में जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े बहुत basic terminology समझाना चाहूँगा जिसमें सबसे पहला है सैम्पल स्पेस, सो व्हाट इज सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, sample space is the set of all possible outcomes related to a random experiment, sample space is the set of all possible outcomes related to a random experiment, related to a random experiment। generally isko hum log denote kisse karte hain, denoted by S, capital S का मतलब क्या होता है? सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो वर्ड है हमारा, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब पता है, देख के लग रहा होगा रैंडम, लेकिन जैसे यहाँ पर लिखूँ अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसके ना आउटकम्स जो होते हैं, आउटकम्स आर नोन, अननोन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाइस, तो अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं तो उसके आउटकम्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो थ्रोइंग अ डाइस उसका सैंपल स्पेस ये बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो थ्रोइंग अ डाइस
उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड डिनोट किससे किया, कैपिटल एस से, एंड ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसके आउटकम्स तो पहले से पता है ना कि किसके किसके अंदर आएगा, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ सकता है क्या, नहीं, तो इसके आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, ओके, आउटकम्स आर नोन, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आर नोन, ऐसा नहीं कि अननोन रहेगा कि हाँ भाई कुछ भी आ सकता है, एक से लेके कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं, तो मेरे को पता है कि क्या आने वाला है, जैसे मान लो एक कॉइन उछाला, तो क्या या तो हेड या फिर टेल, तो आउटकम्स आर नोन, आउटकम्स आर नोन, ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस, आप लोग मेरे संग संग बहुत बढ़िया से नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा ये कॉपी को आप लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज कर पाएंगे, ओके, सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिलेटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय एस, एंड व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स आर नोन, एंड मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, यहां तक सबको ठीक है, प्लीज एक बार यस लिख दो ना, प्लीज एक बार यस लिख दो ना, ताकि मेरे को खुशी हो जाए मन का, इवेंट्स समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लूंगा, इवेंट समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लूंगा, जैसे मान लेते हैं ए, तो ए क्या है, मान लेते हैं इवेंट नंबर, एक डाइस थ्रो किया एंड इवेंट नंबर, तो ए क्या आएगा पता है क्या, किसी को आएगा 2, 4, 6, और मेरा सैंपल स्पेस क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरा ए क्या है 2, 4, 6, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, तो लिख देना इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, दे आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, देखिए कैपिटल लेटर्स, दे आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ओके, सो दे आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, they are always denoted by capital letters, okay, so events are subsets of sample space, maine aapko kya kya bataya abhi tak, sample space bataya maine, random experiment ka jo outcomes hoga wo known hoga ki unknown hoga, chat box mein sab log, random experiment ka jo outcomes hoga wo known hoga ki unknown hoga, fatafat se batana, random experiment ka jo outcomes hoga wo known hoga ki unknown hoga, known, okay, so next is probability, का एक बार दिखाते probability होता क्या है, probability of any event is equal to favorable number of outcomes divided by total नंबर ऑफ आउटकम्स, मेरे को जो चाहिए डिवाइडेड बाय क्या क्या अवेलेबल है, डाइस थ्रो किया 5 आने का प्रोबेबिलिटी, मेरे को 5 चाहिए मतलब एक आउटकम हुआ आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनी इवेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, मैंने एक डाइस थ्रो किया, मैं बोल रहा हूं 1 से लेके 6 के अंदर अंदर आएगा इसका प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आंसर क्या होगा 1, श्योर इवेंट है, मैंने कॉइन उछाला हेड या फिर टेल आएगा, श्योर इवेंट है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक डाइस थ्रो किया 8 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी बताना 0, 8 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी बताना 0, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
will always lie between 0 and 1. Okay. इसके बाद लिखना probability is a unitless quantity. Probability is a unitless quantity. Okay. Probability is a unitless quantity. Now, मैं आपको कुछ laws बताने वाला हूँ which are related to probability. अभी तक सब कुछ ठीक है क्या? एक बार हाँ बोल दो ना. Laws related to probability. Okay. Laws related to probability. So, number one, probability of a sure event. Like, for example, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, 1 से लेके 6 में आएगा, बताओ इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. ओके. दूसरा, फॉर एग्जांपल मेरा सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज माय सैंपल स्पेस. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस सैंपल स्पेस में 7 है क्या? 7 है क्या? प्रोबेबिलिटी कि मैंने एक डाइस थ्रो किया और 7 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0. तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. Probability of an impossible event is what? 0. Next. थर्ड इज, अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने ए डिफाइन किया, मैंने बोला ए है हमारा इवन नंबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार या फिर नॉट ए क्या क्या होगा पता है क्या? 1, 3, 5. समझ में आ रहा है? मैंने बोला ए अगर इवन नंबर है तो ए का सेट क्या बनेगा? 2, 4, 6. तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार या फिर नॉट ए इज वॉट? जो ए में नहीं है, मतलब क्या? 1, 3, 5. लेकिन सैंपल स्पेस में है, बिकॉज सैंपल स्पेस में तो सब कुछ है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज वॉट? 1 माइनस पी ए. 1 बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. टोटल प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1. तो 1 माइनस पी ए. ओके. Next is probability of A union B. Union का मतलब पता है क्या होता है? Union का मतलब होता है either या फिर or. Union का मतलब होता है either or. Union का मतलब होता है either or. Union का क्या मतलब होता है? Either or. Okay. यूनियन का मतलब होता है आइदर और. सो ए यूनियन बी क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो अब मैं आपको ये वेन डायग्राम से समझाने वाला हूँ कि क्यों यहाँ पर माइनस हो रहा है. एक बात बता देता हूँ, और जब भी इंटरसेक्शन रहेगा ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड का मतलब क्या होता है? दोनों, ए भी और बी भी. यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो ए या फिर बी या फिर दोनों, या तो ए या फिर बी या फिर दोनों. ठीक है, देखिए वेन डायग्राम से समझते हैं इसको. यहां तक कॉपी कर लीजिए, मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. यहां तक कॉपी कर लीजिए. अगर मैं इंटरसेक्शन का बात करूं ना, इंटरसेक्शन का तो वो ये होगा.
ये है इंटरसेक्शन। अगर मैं यूनियन का बात करूं, यूनियन का बात करूं, तो वो ये वाला होगा, ये वाला पूरा। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट तो दो बार आ गया, एक बार ए में आया और एक बार बी में आया, इसलिए एक बार माइनस करते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ये वाला पार्ट तो दो बार आ गया ना, इसीलिए एक बार इसको माइनस करते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट तो दो बार आ गया। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब या तो ए या फिर बी या फिर दोनों। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ए एंड बी, माने इंटरसेक्शन मतलब ए और बी दोनों होने चाहिए। लेकिन यूनियन का मतलब क्या है? ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, या फिर दोनों भी चलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स के दो लॉ थे, वो अभी हम लोग देखेंगे। पहला है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम से कैसे होता है। पहले एक बार और एक तो लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट? मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो उसमें नहीं है, उसको छोड़ के। नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आइए मैं एक ठो करके दिखाऊंगा, दूसरा मैं आप लोग को टाइम दूंगा, आप लोग को अपने से समझना है। ठीक है, मैं एक ठो करके दिखाता हूं, मैं ये वाला करके दिखाता हूं आप लोग को। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। ओके, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा रीजन हुआ, ये वाला पूरा रीजन हो गया हम लोग का, ये वाला जो है ना, मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला अपना पूरा रीजन हो गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अपना ये वाला पूरा रीजन हो गया। अब आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस देखने के लिए मैं फिर से एक तो वेन डायग्राम बनाता हूं। बोलता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? जो ए के बाहर है। तो ए के बाहर तो ये पूरा हो गया, ठीक है। फिर बोलता है बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन मतलब क्या? दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लेंगे, इंटरसेक्शन है ना। यहां पर देखिए, यहां पर तो ये इंटरसेक्शन, तो यहां पर क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। आइए देखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट पहले मार्क करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ये वाला हो गया, मैंने ये अगर बी है, ये वाला अगर बी है, तो बी के बाहर मतलब क्या? ये वाला पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया ना, जो बी के बाहर है। समझ रहे मेरे बात को? अब एक बात देखिएगा, जहां जहां पर रंग चेंज हुआ है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रंग क्या हो गया है। वो मैंने कौन सा रीजन को लेंगे, रंग कौन सा, विच कलर रीजन विल आई टेक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रीन, सबको समझ में आ रहा है? मतलब डी मॉर्गन्स का जो लॉ है वो हमने अभी वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया।
डी मॉर्गन्स का जो लॉ है, दूसरा वाला आपको खुद से ट्राई करना है, डी मॉर्गन्स का जो लॉ है वो हमने अभी खुद से प्रूफ कर दिया। ओके, डी मॉर्गन्स का जो लॉ है, डी मॉर्गन्स का जो लॉ है वो अभी हमने पूरा अच्छे से प्रूफ कर दिया। ओके, देखिए ना, अगर इसको किसी को रटना है तो रटने वाले बच्चे कृपया ध्यान देंगे, यहां पर जब यूनियन होगा तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा, यहां पर जब इंटरसेक्शन होगा तो यहां पर यूनियन होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, अब एक एग्जाम्पल करेंगे, अब एक एग्जाम्पल करेंगे, अब एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि उसमें हम लोग को ये सब चीज समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल में मैं आप लोग को सैंपल स्पेस दे देता हूं, थ्रोइंग अ डाइस, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज माई सैंपल स्पेस, ठीक है। मैं एक इवेंट लेता हूं ए, नाउ ए इज इवन नंबर, तो अगर ए इवन नंबर है तो ए का सेट क्या बनेगा, 2, 4 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा मेरा, 3/6, फेवरेबल क्या है, 3 out of 6 आउटकम्स, फेवरेबल क्या है, 3 out of 6 आउटकम्स, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 3/6। नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मेरा सेट क्या बन जाएगा, 1, 3, 5, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। सो व्हाट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट, विच इज व्हाट, 1 - PA, मैंने रूल लिखवाया आप लोग को ऊपर में, व्हाट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट, 1 - PA, मैंने आप लोग को रूल लिखवाया है, व्हाट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट, 1 - PA, मैंने आप लोग को रूल लिखवाया है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, 1 - 3/6, विच इज 3/6, 1 - 3/6, विच इज 3/6, ओके, 1 - 3/6, विच इज 3/6। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो ए में है कि जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, ओके एक और लेते हैं, बी, बी इज प्राइम नंबर, बी इज प्राइम नंबर, तो मेरा बी का सेट क्या बनेगा, मेरा बी का सेट क्या बनेगा, 2, 3, 5, 2, 3, 5, ओके, बी प्राइम नंबर लेते हैं तो 2, 3, 5, ओके, सो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 4, 6, सो व्हाट इज पी बी, पी बी इज व्हाट, 3/6, व्हाट इज पी बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन 3/6, ओके, देख लीजिए आराम से। अब मैं आप लोग से पूछता हूं, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ए यूनियन बी क्या बनेगा, कि ए यूनियन बी क्या बनेगा, मतलब जो ए में भी है और जो बी में भी है, बताइए, तो 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा बन गया ए यूनियन बी, बोलिए ना, हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो ना, हाँ, ओके, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो मेरा पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मेरा पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 5/6। अब अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी का तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में है, विच इज 2, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, काव्या अग्रवाल लिखी है 2, प्रेरणा अग्रवाल लिखी है 2, अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/6, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ और पूछूंगा, ये जवाब आप लोगों को देना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब जो ए यूनियन बी में नहीं था, बताएंगे इसका आंसर और फिर इसका प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बताएंगे इसका आंसर फटाफट, फिर ये भी बताएंगे वन, तो आंसर क्या होगा 1/6, और बताएंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है और जो बी में नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, ए में क्या क्या नहीं था, ए में क्या क्या नहीं था बताएंगे मेरे को, ए में क्या क्या नहीं था, ए में नहीं था 1, 3, 5, और बी में नहीं था 1, बी में क्या क्या नहीं था, 1 नहीं था, 4 नहीं था और 6 नहीं था, तो दोनों दोनों में क्या नहीं था, 1 नहीं था, तो 1, दोनों में क्या नहीं था, 1 नहीं था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, 1/6। आराम से देख लीजिए, पहले आराम से बना लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बना लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट क्या है और दोनों में कॉमन क्या है। बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या मिलेगा आपको, 1 कॉमन मिलेगा, बिकॉज दोनों में ही 1 नहीं है, ठीक है। तो फिर से देखिए डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे भी प्रूव कर दिया, ऐसे भी डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव कर दिया, ऐसे भी डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव कर दिया, ऐसे भी डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कर दिया। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, तभी आगे बढ़ेंगे वरना आगे नहीं बढ़ेंगे, हाँ या ना। के बाद में नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जब जितने भी सारे इवेंट्स होने हो उन सबका समान प्रोबेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 2 आने का 1/6, 3 आने का 1/6, 4 आने का 1/6, 5 आने का भी 1/6 एंड 6 आने का भी 1/6, तो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी क्या हुए, इक्वली लाइकली, मतलब ठीक है जितने भी सारे इवेंट्स हैं सब लाइकली। एक और एग्जाम्पल, मैं जब कॉइन थ्रो करता हूँ तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मैंने हेड को एक इवेंट बोल दिया और टेल को एक इवेंट बोल दिया, ठीक है, तो दोनों का ही आंसर क्या आएगा, 50-50, दोनों का ही आंसर क्या आएगा, हाँ दोनों का ही आंसर क्या आएगा, 50-50, तो 0.5 0.5, ठीक है 0.5 0.5, तो दोनों क्या है इक्वली लाइकली, दोनों क्या है इक्वली लाइकली, दोनों क्या है इक्वली लाइकली, यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ। नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, परंजय कोई डाउट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, ए है और बी है, ठीक है
इन दोनों में से कोई इवेंट होगा और इन दोनों को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है। मैं जब बोल रहा हूं, जैसे देखिए मैंने क्या बनाया है, जब दो इवेंट्स है, ए है और बी है, इन दोनों को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है, यही दोनों सैंपल स्पेस बनाते हैं और ये दोनों संघ में भी नहीं हो सकते हैं। जैसे देखो, संघ में नहीं होना मतलब क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव मतलब क्या, या तो ए होगा या फिर बी होगा, इन दोनों को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गया, डोसा इडली, अब गया है तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा, तो या तो डोसा या फिर इडली और कुछ नहीं, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होगा, 1। और तुम्हारा ये है कि तुम या तो डोसा खाएगा या फिर इडली खाएगा, दोनों संग में नहीं खाएगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी वॉट, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी वॉट, 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी वॉट, पी ए प्लस पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी वॉट, पी ए प्लस पी बी। तो अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो मैं लिखने जा रहा हूं, कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पी ए प्लस पी बी, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, दो इवेंट्स है या फिर तीन इवेंट्स है, उन तीनों को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो डाइस थ्रो किया तो 6 इवेंट्स मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या इन 6 को छोड़ के और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या अगर जब 1 आएगा तो संग संग 2 भी आ सकता है, नहीं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली एज वेल, बिकॉज 6 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, एंड सबका सम क्या है, 1, सबका सम क्या है, 1, ठीक है। सो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव समझ में आया कि नहीं आया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ए का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बी का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ऐसा नहीं है। हो सकता है ए का प्रोबेबिलिटी 0.1 हो, बी का प्रोबेबिलिटी 0.9 हो, अनइक्वल प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। अगर इक्वल प्रोबेबिलिटीज होंगे तब तो इक्वली लाइकली हो जाएगा ना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि या तो ए होगा या फिर बी होगा, इन दोनों को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है, और जब ए होगा तो ए ही होगा, उसके संग संग बी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छा समझिएगा, ताकि फिर आप, मैं इस पर भी एक सम्स भी कराऊंगा, लाइक थोड़ा पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, सम्स भी करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड बेसियन स्टेटिस्टिक्स। तो क्या ये सब सारी चीज लिंक्ड अप है, अगर आपको ये सब चीज एकदम क्लैरिटी में रहेगा तो क्या आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी हैज, ए गिवेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, कंडीशनल माने मैंने कंडीशन कर दिया, ए का प्रोबेबिलिटी बताइए गिवेन की बी हो चुका है, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी इंटू पी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी क्या है, बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है और ए हमारा डिपेंडेंट इवेंट है। ए किस पे डिपेंडेंट है, बी पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए किस पे डिपेंडेंट है, बी पे। ओके, ए किस पे डिपेंडेंट है, बी पे। तो ए गिवेन बी, मैं क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब यहां से हमारा एक कंडीशन निकल के आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो ए गिवन बी, अब ए तो बी पे कंडीशन नहीं रहा, एक मिनट, हाँ देखो ये सब कॉपी हो गया। अच्छा अब देखना, मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू पीबी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लेते हैं कि ए का होने नहीं होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर बी के होने नहीं होने से ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माने कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर अपने अभी जैसे मान लेते हैं यहां पर क्या था, ये कंडीशनल वाले का फॉर्मूला ये था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि बी के, मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर आप लोगों को समझाऊं, तो मैं क्या लिखूंगा हिंदी में, बी के होने नहीं होने से, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, बी के होने नहीं होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, बी के होने नहीं होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड ए गिवन बी हट जाएगा, अब वो खाली पी ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दिस इज द कंडीशन ओनली सेटिस्फाइड व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दिस इज द कंडीशन ओनली सेटिस्फाइड व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दिस इज द कंडीशन ओनली सेटिस्फाइड व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ओनली सेटिस्फाइड व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो बी के होने नहीं होने से ए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, सो बी के होने नहीं होने से ए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, मैं यहां पर आप लोग को एक एग्जांपल दे सकता हूं, एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल में है टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई, tossing a coin and rolling a die simultaneously, tossing a coin and rolling a die simultaneously, माने coin भी toss कर रहे हैं और die को भी roll कर रहे हैं, ठीक है, coin भी toss कर रहे हैं and die को भी roll कर रहे हैं simultaneously। तो अगर ऐसा हो रहा है तो टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई साइमल्टेनियसली, अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा पता है वो क्या बनेगा पता है, हेड के संग 1 आ सकता है कॉमा हेड के संग 2 आ सकता है कॉमा हेड के संग 3 आ सकता है कॉमा डॉट 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 हेड के संग 6 आ सकता है, या फिर टेल के संग 1 आ सकता है या फिर टेल के संग 2 आ सकता है डॉट 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 टेल के संग में 6 आ सकता है। तो these are the sample space, meaning these are the things that will be included in the sample space, these are the cases that are included in the sample space। okay, so total mein 12 alag alag cases ho sakte hain sample space mein, isme kisi ko bhi dikkat hai, jaise maine ek coin uchhala aur ek die roll kiya to ho sakta hai tail aaye aur 5 aaye, to t, 5 is the outcome। okay, so this is the thing। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं
ए जो इवेंट है मेरा, ए जो इवेंट है, एक मिनट पहले इसको लिख लो, ठोको लाइक। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोकिए। अब यहां पर मैं ए को डिफाइन करता हूं, मैं ए को डिफाइन करता हूं हेड, मैं ए को डिफाइन करता हूं हेड, और मैं बी को डिफाइन करता हूं, मैं बी को डिफाइन करता हूं सिक्स, मैं ए को डिफाइन करता हूं हेड एंड मैं बी को डिफाइन करता हूं सिक्स। तो ए का जो है, ए का सेट ऑफ आउटकम्स क्या बनेगा? हेड के संग में तो वन भी आ सकता है, डॉट 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 हेड के संग में तो सिक्स भी आ सकता है, तो यहां पर सिक्स आउटकम्स है। और बी का अगर मैं बात करूं तो बी में क्या होगा, या तो हेड के संग सिक्स आएगा या फिर टेल के संग में सिक्स आएगा, या तो हेड के संग में सिक्स आएगा या फिर टेल के संग में सिक्स आएगा, या तो हेड के संग में सिक्स आएगा या फिर टेल के संग में सिक्स आएगा। ओके सो अभी मेरे को ये बताना कि पी ए क्या होगा, पी ए क्या होगा, पी ए क्या होगा, विच इज 6/12, बिकॉज टोटल में देर वे 12 आउटकम्स और मेरे को चाहिए हेड, तो 12 में से 6 आउटकम्स मेरे फेवर में है। पी बी क्या होगा, पी बी क्या होगा, 2 आउटकम्स मेरे फेवर में है आउट ऑफ 12, ठीक है, 2 आउटकम्स मेरे फेवर में है आउट ऑफ 12। सो ए हो गया, बी हो गया, पी ए पी बी हो गया। अब बताना कि ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा चीज जो ए में भी है और बी में भी है, विच इज एच सिक्स, एक आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/12, 1/12। इसको हम लोग ऐसे भी जेनरेट कर सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि क्योंकि ए को मैंने क्या डिफाइन किया है, हेड, एंड बी को मैंने क्या डिफाइन किया है, सिक्स। इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब बी के होने नहीं होने से ए पे कोई असर नहीं पड़े, या फिर ए के होने नहीं होने से बी पे कोई असर ना पड़े। ओके तो देख लीजिए आप लोग का आंसर मैच करेगा एंड ये वाला जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होगा, ये वाला जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होगा। चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा कि ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिएगा प्लीज कि ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिएगा प्लीज कि ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आगे बढ़ेंगे वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके ओके इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना, given that a and b are independent events, 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 show that probability of A given B is PA, given that A and B are independent events, show that probability of A given B is PA। तो कैसे show करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ठीक है। तो अभी अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी,
PA into PB by PB, तो PB PB cut, PA into PB by PB, तो PB PB cut, तो ultimately बच क्या रहा है, PA बच रहा है, तो answer हम लोग का prove हो गया, ultimately बच क्या रहा है, PA बच रहा है, ultimately बच क्या रहा है, PA बच रहा है, ultimately बच क्या रहा है, PA बच रहा है, okay, तो हम लोग का ये वाला answer prove हो गया, ultimately हम लोग का PA बच रहा है. ओके तो यहाँ तक बताएं कि आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ तक बताएं कि आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है. कम करो ना इसे. ओके सो Now we'll do few sums. Now we'll do few sums. तो चलिए हम लोग अपना सम्स पे और बढ़ते हैं. अब कुछ फ्री सम्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर वन तो लिखिएगा, राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट. राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट. राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट वेयर द स्कोर्स ऑफ टू डाइस आर एडेड. Where the scores of two dice are added. अब इसको लेके हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे. सैंपल स्पेस लिखना है, वेयर द स्कोर्स ऑफ टू डाइस आर एडेड. तो स्कोर्स ऑफ टू डाइस तो देखते हैं, तो दो डाइस का स्कोर एड होगा तो क्या वन हो सकता है? वन हो सकता है क्या? तो दोनों का सम वन तो नहीं होगा. वन को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है. दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह. तो दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह. अब देखना पड़ेगा, माने ये अपना सम खत्म हो गया, सैंपल स्पेस तो अपने बना लिए, लेकिन क्वेश्चन यहां पर सैंपल स्पेस का नहीं है. क्वेश्चन है कि इसको लेके अभी अपने को एनालिसिस करना है. क्वेश्चन है अपना कि इसको लेके अभी अपने को एनालिसिस करना है. अब मेरे को यह बताना कि दो कितने तरीके से आ सकता है. दो कितने तरीके से आ सकता है? वन वन. जब दोनों में वन आएगा तो ही दो आ सकता है. तो यह आएगा एक तरीके से. तीन कैसे आ सकता है? वन टू टू वन, दो तरीके से. फोर कैसे आएगा पता है क्या? फोर कैसे आएगा बताना. फोर कैसे आएगा? वन थ्री थ्री वन टू टू, तो तीन तरीके से आ रहा है. फाइव कैसे आएगा बताना. फाइव कैसे आएगा बताना. वन फोर फोर वन थ्री टू टू थ्री, तो चार तरीके से आ सकता है. फिर अकॉर्डिंगली सबसे देखना, ये मैजिक है. छ आएगा पांच तरीके से, सात आएगा छह तरीके से, बारह आ सकता है एक तरीके से, बारह आ सकता है एक तरीके से, छक्का छक्का.
11 आ सकता है दो तरीके से, 10 आ सकता है तीन तरीके से, 9 आ सकता है चार तरीके से, और ये आ सकता है पांच तरीके से। ठीक है, तो इन सब का जब मैं टोटल करूंगा, लाल वाले का जब मैं टोटल करूंगा तो आएगा 36, क्योंकि टोटल में देयर आर 36 केसेस, टोटल में देयर आर 36 केसेस। अगर मैं देखूं 36 केसेस कैसे होगा, 36 केसेस कैसे होगा, पहले वाले में 1 को फिक्स कर लो, 1 के संग में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक, फिर पहले वाले में 2 को फिक्स कर लो तो 2 1 2 2 2 3 2 2 6 तक, ऐसे करके 36 केसेस आएंगे टोटल में, ऐसे करके टोटल में 36 केसेस आएंगे। तो ये एक बहुत ही बन सकते, जैसे मान लो हो सकता है कि हम लोग को बोले प्रोबेबिलिटी निकाल लें वेयर द सम ऑफ टू डाइस इज 5, तो आंसर क्या होगा 4/36, 4/36, बिकॉज सम 5 चार तरीके से आ सकता है, सम 5 चार तरीके से आ सकता है, एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 36। बोल सकता है ऐसे, देखो ना ऐसे बोलेगा, प्रोबेबिलिटी दो डाइस थ्रो किए एंड सम आ रहा है 5, तो क्या होगा इसका आंसर 4/36, तो क्या होगा इसका आंसर 4/36, तो क्या होगा इसका आंसर 4/36। इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, इसका भी मतलब लिख लो नोट में, आगे काम आ सकता है, नोट में लिखना नल सेट इज द सेट विथ नो एलिमेंट्स, नल सेट इज द सेट विथ नो एलिमेंट्स, नल सेट इज द सेट विथ नो एलिमेंट्स, नल सेट इज द सेट विथ नो एलिमेंट्स। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग कार्ड्स में, ताश सर हम चैंपियन है, ओके कार्ड्स में, तो कार्ड्स में टोटल देर आर 52 कार्ड्स, तो 52 का क्या है डिवीजन, चार सेट्स होता है, लाल में क्या क्या होता है बताना, तो जो लोग खेला है डायमंड्स हार्ट्स, काला में क्या क्या होता है क्लब्स स्पेड्स, सब में 13-13 पत्ता होता है, सब में 13-13 पत्ता होता है, कैसे होता है पत्ता ए, फिर होता है 2 से लेकर के 10, फिर होता है जे क्यू के, तो ऐसे करके 13 पत्ता होता है सब में, तो 13 × 4 कितना होता है 52, 13 × 4 कितना होता है 52, टोटल देर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक। जोकर पोकर को छोड़ दो, ये सब क्वेश्चन वाहियात क्वेश्चन मत पूछना, जोकर क्या होता है ऐसे वो सब कुछ नहीं होता, जोकर पोकर नहीं होता है, पत्ता ताश का पत्ता में जोकर वो आउट हो जाता है। अच्छा तो ये दोनों काला हो गया ब्लैक, अच्छा ब्लैक से लिख दे क्या, ये दोनों काला हो गया ब्लैक और ये दोनों लाल रहता है रेड, तो रेड कार्ड्स कितने हो गए, रेड कार्ड्स हो गए 26 और ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए 26, तो टोटल कितना हो गया 52। हाउ मैनी एस, एस मतलब इक्का, हाउ मैनी एस, एस मतलब चार ठो एस होगा, चार ठो एस होगा, हाउ मैनी किंग, हाउ मैनी किंग, किंग चार होगा, हाउ मैनी क्वीन, क्वीन चार होगा, हाउ मैनी जैक, जैक भी चार होगा। ठीक है, तो अब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बताना, Is ace a face card? क्वेश्चन है Is ace a face card? Is ace a face card? No, परंजय मुंद्रा, परंजय मुंद्रा, गजब, No, ace is not a face card. लिख लो नोट में, नोट में लिख लो, नोट में लिख लीजिए Ace is not a face card. So how many face cards in total? In total, face cards का क्या calculation है? 3 × 4, 12. मतलब हर एक set में 3 face cards. King, Queen and Jack. King, Queen and Jack. Okay. King, Queen and Jack. King, Queen and Jack.
ओके आइए अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए, जब ए बी सी तीन इवेंट्स रहेंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, मैं भूल जाता हूँ हमेशा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके अब देखना, प्लस प्लस इसको मैं लाल से लिख रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रंग दो लाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके अब देखिएगा, इधर में मैं एक आपको ग्राफ वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो किस चीज को मैंने प्लस किया है, किस चीज को मैंने प्लस किया है, कोई बता सकता है किस चीज को मैंने प्लस किया है? देखो मैं बताता हूँ, इस वाले चीज को, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि क्योंकि मैंने क्या किया, पी ए पी बी और पी सी को प्लस कर दिया, तो हुआ क्या, ये वाला भी डबल आ गया, ये वाला भी डबल बार आ गया, तो इसको माइनस किया और इसको, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, माइनस किस किस को किया देखना, माइनस किस किस को किया वो देखना, माइनस किस किस को किया देखना, इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया, ये वाले पार्ट को पूरा को, अच्छा रुको काला को पहले हटाने दो, इरेजर, हाँ इस वाले पार्ट को माइनस किया और इस वाले पार्ट को भी माइनस किया, मैं बोल रहा हूं इन दोनों को ही माइनस कर दिया, ठीक है। फिर अगर मैं इसका बात करूं तो देखना, इस वाले पार्ट को माइनस किया और इस वाले पार्ट को भी माइनस किया, फिर क्या हुआ, जब इस इसका ये मान लो ये है हम लोग का ए, ये है बी और ये है सी, जब मैं सी का बात कर रहा हूँ तो फिर अगर तुम सी का बात करोगे तो सी में किस किस को माइनस किया, देखो इसको और इसको, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ए प्लस बी प्लस सी तो ठीक है, डबल काउंटिंग का चक्कर में तीनों को माइनस किया वो भी ठीक है, लेकिन 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 क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो एकदम मिडिल वाला जो पार्ट है, जो एकदम मिडिल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा छूट जा रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये मेरा एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये मेरा छूट जा रहा है और एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आराम से देख लो एक बार, मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से देखिए इसको, दो मिनट का ब्रेक।
मैंने बेसिकली द रीजन फॉर एडिंग दिस इज कि ये वाला जो ब्लैक वाला जो पैटर्न है ये एकदम जब अपने तीन बार इसको कर रहे हैं माइनस सारे इंटरसेक्शंस को, जब अपने सारे के सारे इंटरसेक्शंस को माइनस कर रहे हैं तो बस खाली ये जो अपना ब्लैक वाला जो पार्ट है ना बस खाली ये छूट जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको एक बार हम लोग को एड बैक करना पड़ता है। ओके एक क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना, ए है पिकिंग अ स्पेड, ए है पिकिंग अ स्पेड, बी है पिक एन एट, ए है पिकिंग अ स्पेड एंड बी है पिक एन एट, ए है पिकिंग अ स्पेड एंड बी है पिक एन एट। अब क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पेड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पेड गिवेन दैट वी हैव पिक्ड एन एट, गिवेन दैट वी हैव पिक्ड एन एट। सुना कैसे पता चलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है, गिवेन वर्ड मेंशन होगा, गिवेन वर्ड, ठीक है। तो फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पेड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पेड गिवेन दैट वी हैव पिक्ड एन एट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्पेड Given that we have picked an eight, समझ आ रहा है? A का probability निकालने बोल रहा है, given that B हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? PA, तो PA spade का probability क्या होगा? 13/52, B का probability कितना होगा? 4/52, ठीक है, बोलता है स्पेड निकालने का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट आठ है, तो आठ तो चार टाइप का होगा, अब ये जो आठ है ये तो चार टाइप का हो सकता है ना, आठ है ये तो चार टाइप का होगा, क्या क्या हो सकता है? स्पेड हो सकता है, क्लब्स हो सकता है, डायमंड्स हो सकता है, हार्ट्स हो सकता है, तो एक ही तो बच रहा है, बोलता है स्पेड वाला आठ निकालना है बेसिकली, ठीक है, मैंने बोलता है आठ उठा लिए हैं, बताओ कि वो स्पेड वाला आठ होगा, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 1/4 होना चाहिए। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, तो ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा? एक ही पत्ता ऐसा होगा आउट ऑफ 52 कार्ड्स जो कि 8 भी होगा और जो कि स्पेड भी होगा, डिवाइडेड बाय पी बी 8, तो ये 4 होता है, 8 4 होता है, तो 4/52, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा अपना? 1/4, अल्टीमेटली अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1/4, अल्टीमेटली अपना आंसर क्या आ रहा है? 1/4। बोलो कि ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सो आज हमारा प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्लास था, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी एज पर द शेड्यूल। देखिए, हो सकता है इनिशियली थोड़े बहुत क्लासेस कॉल ऑफ हो, बिकॉज आप लोगों को भी पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, विल बी शेयरिंग द वीडियोज एज वेल, बट लाइक शेड्यूल के इधर उधर और कोई क्लास नहीं होगा, जो शेड्यूल बन गया है वो बन गया है, ठीक है, तो आप लोगों को फैकल्टी भी बता दिया जाएगा कि कौन से फैकल्टी का क्लास है, but the schedule is fixed. If you don't have the schedule, kindly message in group, they will forward the schedule. So thank you today for joining us, and stay home and stay safe.